है हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स। इस तरीके से आपको कोई भी वर्ड यहाँ पे गिवन हो सकता है, उसके लेटर्स को यूज करके गिवन हो सकता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने फोर लेटर वर्ड्स कहा, कुछ भी नंबर ऑफ लेटर्स आपको गिवन हो सकता है। अभी हम ले रहे हैं ये फोर लेटर वर्ड्स का, यूजिंग द वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। हियर यू आर हैविंग 2m, 2 a's, 2 t's, बाकी सभी लेटर्स जो है वो वन वन टाइम एक्सिस्ट करते हैं। m a t, देन h a I H E I C S, टोटल 11 लेटर्स हैं। अब फोर लेटर्स एट अ टाइम हमने लेनी है, तो केस वन लिया, जब चारों के चारों लेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। व्हेन ऑल द फोर लेटर्स आर डिफरेंट। अब जब भी वर्ड की फॉर्मेशन करनी है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेटर्स को सिलेक्ट करना होगा। लेटर्स सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या लिया है, व्हेन ऑल द फोर लेटर्स आर डिफरेंट, यानी कि ये जो टू टू टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको भी हम वन वन टाइम लेके चले। ठीक है, तो वन ये, वन ये, वन ये, थ्री हो गए, बाकी कितने हैं, थ्री थ्री सिक्स एंड टू एट, यानी कि अब टोटल एट में से हमने कितने लेटर्स से सिलेक्ट करने हैं, फोर। सिलेक्शन हो गई एट सी फोर से। अब इनको वर्ड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंजमेंट कितने वेज में होगा, क्या एट कैसे आया हमें, हमने क्या केस लिया, व्हेन ऑल द फोर लेटर्स आर डिफरेंट, जो भी हम यहाँ पे वर्ड फॉर्म कर रहे हैं इन लेटर्स को यूज करके, उसके चारों के चारों लेटर्स डिफरेंट होंगे। तो ये दो है, मतलब टू जो है लेटर्स आपके एट अ टाइम आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिफरेंट लेटर्स लेने हैं, तो एम एक ही लेंगे, ए एक लेंगे, टी भी एक लेंगे। तो वन ये, वन ये, वन ये, थ्री ये हो गए, फाइव लेटर्स ये हैं जो ऑलरेडी वन वन टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एट हो गए, जिसमें कोई रेपिटेशन नहीं है किसी की। उसमें से हम फोर सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन करने के बाद उनको हमने अरेंज भी करना है, तो फोर प्लेसेस हैं, फोर लेटर्स हैं, तो दैट कैन बी डन इन 4p4, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे नंबर निकाल लो। सेकेंड केस में क्या लेंगे, व्हेन टू आर अलाइक, अलाइक मीन्स एक जैसे होंगे, एंड टू आर डिफरेंट। अब अलाइक वाले के लिए इन तीनों में से लेना है, और एट अ टाइम एक पेयर हम ले रहे हैं, तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, थ्री सी वन। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे टू नहीं आएगा। ठीक है, वन क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे को हम एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे हैं। ये दो लेटर्स जो हैं, व्हेन टू आर अलाइक, मतलब ये दोनों के दोनों हम उठा रहे हैं। पेयर्स कितने हैं हमारे पास, वन टू एंड थ्री। इन थ्री पेयर्स में से हम एक पेयर उठा रहे हैं, यहाँ पे ये लेटर की बात नहीं हो रही है, पेयर की बात हो रही है जिनकी डबलिंग हो रही है। सो दिस इज थ्री सी वन, दो लेटर्स यूज हो गए। अब ये डबलिंग वाला कोई भी जो एक पेयर है वो यूज किया, बाकी के दो पेयर्स का एक एक लेटर अवेलेबल है स्टिल, दो लेटर्स नहीं यूज होंगे, उसका क्या क्या होगा। मान लो मैंने एम यहाँ पे फिल कर दिया, मतलब एम के लेटर्स की सिलेक्शन कर ली, स्टिल वन ए एंड वन टी इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट लेटर्स, क्योंकि एम आ गया, ए और टी भी हम चूज कर सकते हैं डिफरेंट के लिए, लेकिन उनमें से एट अ टाइम हम एक एक लेटर चूज करेंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, और इन सेवन में से कितने सिलेक्ट करने हैं आपको, टू। ठीक है, एक ये वन टू लेटर्स को शो कर रहा है, वन पेयर है क्योंकि, और ये टू लेटर्स लेके चल रहे। क्लियर है ये, दोबारा देखो, व्हेन टू आर अलाइक, दो लेटर्स एक जैसे लेने हैं, दो लेटर्स एक जैसे इन तीनों में से ले सकते हैं। ठीक है, तो थ्री में से हमें कितना चूज करना है, वन, ये पैकेट बना लिया हमने टू का, वन पैकेट चूज करते हैं यहाँ पे, यानी कि थ्री पैकेट्स में से जो पेयर्स के पैकेट्स हैं, कोई भी एक आ जाएगा, चाहे एम एम आ जाए, चाहे ए ए आ जाए, चाहे
हाँ इन तीन में से कोई एक हमने चूज कर लिया, यानी कि ये दो प्लेसेस फिल हो गए। अब टू मोर प्लेसेस आर टू बी फिल्ड विद टू डिफरेंट लेटर्स। अब इनमें से तीनों में से जो एक पेयर गया उसको छोड़ के बाकी दो पेयर्स आर स्टिल अवेलेबल, उनके लेटर्स अभी भी हम यूज कर सकते हैं, बट हमने दो लेटर्स यूज नहीं करने उस टाइम पे, हमने नेक्स्ट टू के लिए क्या करना है, इनको एक एक लेटर ही उठाना। ठीक है, तो वन लेटर ए हो गया, वन टी हो गया एच ई आई सी एस में से, नहीं हमने क्या लिया, अलाइक वाला तो एक हमने पेयर उठा लिया ना, ना पोजीशनिंग बाद में मैटर करेगी ना जब हम इनटू फैक्टोरियल करें तब। अभी हमने फिलहाल क्या किया, इन तीन में से एक पेयर चूज कर लिया, मान लो मैंने एम उठा लिया, अभी भी ए और टी जो है वो अगले उसमें यूज हो सकता है क्योंकि वो एम के साथ डिफरेंट है। ठीक है ना, तो एट अ टाइम एक अब हमने उठाना है, तो मतलब इनको हम दो लेटर्स नहीं काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे। तो वन ये अवेलेबल है नेक्स्ट टू लेटर्स के लिए, वन ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इन सेवन में से कोई दो लेटर्स ये प्लेसेस फिल करने के लिए हमें उठाने। तो दिस कैन बी डन इन सेवन सी टू वेज। ठीक है, अब ये फोर लेटर्स इन दोनों से सिलेक्ट हो गए, वन पेयर और दो लेटर्स दिए, तो फोर लेटर्स कैन बी अरेंज इसमें से। हाँ इसमें से कैसे आएगा, एक पेयर मैंने उठा लिया, अब अगर मान लो ए और टी मैंने उठाया तो ये भी तो अवेलेबल है ना, जो ओवरऑल काउंटिंग है उसके लिए तो मुझे इनको लेना पड़ेगा ना, मेरे पास जिन लेटर्स में से मैं चूज कर सकती हूँ उसके लिए ये भी अवेलेबल है, तो मुझे होल में से जितनी चीजें मेरे पास अवेलेबल है उसमें से टू लेने। ठीक है, क्लियर है, और इनको अगेन फोर लेटर्स कैन बी अरेंज अमंगस्ट देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज, फोर फैक्टोरियल वेज। लेकिन यहाँ पे फोर फैक्टोरियल में जो ये वाला है पेयर की रेपिटेशन हो रही है, तो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है, अब केस थ्री लेके चलेंगे, इसको भी फिर सिंप्लीफाई करोगे, नंबर निकालोगे यहाँ पे। अब केस थ्री है आपका, क्या लेंगे केस थ्री, व्हेन टू अलाइक एंड टू अलाइक, ऑल नहीं ले सकते क्योंकि चार लेटर्स सेम टाइप के अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस साइड आ जाओ, अब टू अलाइक में यानी कि दो दो पेयर्स हो गए, वन वन पेयर हो गया इनका, तो उसमें से यही अवेलेबिलिटी है हमारे पास, और कोई लेटर जो है वो हम नहीं चूज कर सकते क्योंकि ये सिंगल टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास थ्री पेयर्स हैं, थ्री में से कितने हमने चूज करने हैं, टू, तो दिस कैन बी डन इन थ्री सी टू वेज। फिर सिलेक्शन हो गई, अब क्या करना है, अरेंज करना है, फोर फैक्टोरियल अपॉन कितने कितने की रेपिटेशन है, टू टू की रेपिटेशन है, तो टू फैक्टोरियल एंड टू फैक्टोरियल। हाँ जी, दोबारा देखो, फोर लेटर्स टू बी फिल्ड इन फोर प्लेसेस, यहाँ पे दो एक तरह के आ गए, यहाँ पे दो एक तरह के आ गए, टू अलाइक है, टू अलाइक है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, यहाँ दोनों एम, यहाँ दोनों ए आ सकते हैं, मतलब एक पेयर मैंने एम का ले लिया, एक पेयर मैंने ए का ले लिया, सेम वे में एक पेयर मैंने ए का लिया, एक पेयर मैंने टी का लिया, ये सिलेक्शन कर रहे हैं, एक पेयर मैंने एम का लिया, एक पेयर मैंने टी का लिया। ठीक है, तो दिस कैन बी डन इन थ्री सी टू वेज। अब सिलेक्शन के बाद जब ये चार लेटर्स मेरे कोई भी सिलेक्ट हो गए, उनको मैंने अरेंज करना है, अरेंजमेंट कितने वेज में होगा, फोर पी फोर वेज में, लेकिन सिलेक्शन में जो रेपिटेशन है लेटर्स की हो रही है, टू अलाइक है, तो वो टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर, इसका भी नंबर निकाल लोगे, सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। हाँ जी,
थ्री सी टू का थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू थ्री माइनस टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल. हाँ जी वन आ जाएगा. ठीक है क्लियर. सिंप्लीफाई कर लोगे इसको. सिंप्लीफाई करने के बाद जो तीनों के केसेस के नंबर्स आ रहे हैं उन सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बताने. गॉट इट. एक और इस तरह का कर रहे हैं. क्या केसेस बनेंगे. हाँ जी ओ टू टाइम्स आ रहे हैं और सी टू टाइम्स आ रहे हैं, बाकी सब एक आ रहा है. ई एन एम आई एस. हाँ जी केस वन बन गया. ऑल आर डिफरेंट. All are different में हर letter will be treated as a single one. One, two, three, four, five, six, seven. Seven में से कितने select करने हैं? Four. And then they are to be arranged. Selection कर ली उसके बाद word formation के लिए उनको arrangement चाहिए. हाँ जी upon में क्यों? All are different. सारे लेटर्स डिफरेंट लिए हैं हमने. इनमें से एट अ टाइम एक लूंगी ना मैं. इसको मैंने वन काउंट किए. ओ वन लूंगी देन सी वन लूंगी देन ई एन एम आई एस ऑलरेडी वन वन हमारे पास है. ठीक है केस टू व्हेन टू आर अलाइक एंड टू आर डिफरेंट. अब अलाइक वाले कितने केसेस हैं यहाँ पे? टू केसेस हैं और एट अ टाइम वन पेयर चूज करने तो टू सी वन. अब एक पेयर जो हो गया चूज दूसरे वाले पेयर में से स्टिल वन लेटर इज अवेलेबल टू चूज तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. यहाँ पे टोटल जो है फोर नहीं बन रहा क्योंकि ये वन जो है ये पेयर को डिपिक्ट कर रहा है. सो अगेन दीज आर टू बी अरेंज फोर फैक्टोरियल रेपिटेशन पेयर की अपॉन में टू फैक्टो. क्लियर. केस थ्री टू अलाइक एंड टू अलाइक. अब टू पेयर से टू के टू चूज करने हैं तो टू सी टू इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल. ठीक है. हाँ जी हाँ जी एनी डाउट क्लियर है. अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं. वर्ड हमने लिया अकाउंटेंसी. एक केस बढ़ जाएगा अब इसमें. कितने कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं? आज बेटे ए टू सी थ्री एन बी टू बाकी सब सिंगल है. ओ यू टी ए एन सी हो गया वाई. इलेवन लेटर्स बन गया. ठीक है चलो अब इसमें देखो यहाँ पे थ्री वाला भी आ गया तो एक केस और ऐड हो जाएगा. क्या? व्हेन थ्री आर अलाइक एंड वन इज डिफरेंट. केस फोर बन जाएगा थ्री अलाइक एंड वन डिफरेंट.
चलो, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट. 7C 4 चूज करने हैं इनटू 4 फैक्टोरियल. ये 3 C's भी ले सकते हैं ना वर्ड फॉर्मेशन के लिए. तो 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट. नहीं अभी मेरी क्लास है. पूरब कोई डाउट है? फर्स्ट केस क्लियर है? सेकंड बताओ, व्हेन 2 आर अलाइक एंड 2 आर डिफरेंट. अलाइक वाले इन तीनों में से हमें कोई 2 लेटर्स एट अ टाइम चूज करने हैं. सो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 3C1. 1 पेयर की बात कर रहे हैं तो 1 लिया है यहाँ पे. इनटू 2 आर डिफरेंट, इनमें से कोई एक पेयर ले लिया, बाकी 2 पेयर्स के 1-1 लेटर आर स्टिल अवेलेबल. तो काउंट देम, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 में से कितने चूज करने हैं? 2. अगेन अरेंजमेंट एंड देन रेपिटेशन की डिविजन ना. 2 एट अ टाइम हमने 2 उठाने हैं, बस लेटर्स की बात कर रहे हैं. हाँ जी, दोबारा देखो, 2 आर अलाइक. पहले अलाइक वाले लेते हैं. अलाइक में ये 3 केसेस ले सकते हैं. सी बेशक यहाँ पे 3 है, एट अ टाइम हम 2 यूज कर सकते हैं उसमें से. तो 1, 2, 3 पेयर में से हमें 1 पेयर चूज करना है. तो दैट कैन बी डन इन 3C1. सिर्फ सिलेक्शन हो रही है ये, तो कॉम्बिनेशन यूज की है. देन 2 आर डिफरेंट. इन 3 पेयर्स में से एक पेयर हमने यूज कर लिया, बाकी के मान लो मैंने सी यूज कर लिया. ए और एन लेटर्स अभी भी अवेलेबल हैं, तो 1-1 उनको यूज करने हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर्स आर अवेलेबल. 6 में से चूज कितने करने हैं? और 2. ठीक है, तो उसके बाद अरेंजमेंट करने. रेपिटेशन हो रही थी यहाँ पे 1 पेयर की, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. अब 2 आर अलाइक एंड 2 आर अलाइक. 3C2, क्योंकि दोनों के दोनों पेयर्स लेने हैं. उसके बाद अरेंजमेंट एंड देन रेपिटेशन से डिविजन. ठीक है, क्लियर? अब लास्ट वाला बताओ, व्हेन 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट. 1C1 इंटू, बाकी कितने बचे? 6. 6 में से कितने चूज करने हैं लेटर्स? 1. ठीक है, इंटू 6C. हाँ जी, किसको? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट अ टाइम 1 यूज कर सकते हैं ना. एक ए उठा लू मैं, एक एन उठा लू, किसको? एक ही लेना है एट अ टाइम. 3 तो हमने ये सी ले लिए, अब एक प्लेस रह गया, वो एक लेटर से फिल करना है. तो इन 2 में से मैं कोई एक उठा लूंगी. आई एम डूइंग द सिलेक्शन. ठीक है, हाँ जी, क्यों नहीं? 3C3 का मतलब कि 3 पैकेट्स अवेलेबल है, उसमें से मैं एक, तीनों के तीनों पैकेट्स उठा रही हूँ. वो तो 4 लेटर वर्ड से ज्यादा बड़ा बन गया, तो तभी 1C1 लिया ना. 3 वाला एक पैकेट था, उसको पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया 1C1. ठीक है, क्लियर? इनटू एंड अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे अब सी आपके 3 हैं, तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल. कहाँ 8 हुआ? क्यों बच्चे? वो तो फिर रेपिटेशन हो रही है ना. एक ए 2 बार है, तो मैंने एक बार ले लिया उसको. अपॉन में फिर आप 2 फैक्टोरियल करोगे. वो भी जरूरी नहीं है कि वो भी कब होगा. यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि आपने ए को या एन को 2 बार लिया, तभी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना है. मान लो आपने उसको लिया ही नहीं और आप यहाँ डिविजन शो कर रहे हो, तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए वी विल ट्रीट देम एज अ सिंगल लेटर, क्योंकि एक से ज्यादा मैं उठा ही नहीं सकती. ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट करके देखो खुद. दिस इज इन इफेक्टिव. हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन इफेक्टिव.